बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपैरल टेक की एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुशन्स की नई रेंज, लेटेस्ट रेंज जो आपने पहले नहीं देखी है। आज हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स कवर करेंगे जो बहुत आसान है प्रिंटिंग के लिए और बहुत यूनिक है। आपने वो प्रोडक्ट्स पहले लेके नहीं होंगे और काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट है और मार्केट में अच्छा आप उससे काम कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कपल कुशन, ये ऐसे आता है, या इसको हम आपको प्रिंटिंग भी करके दिखाएंगे इसकी। साथ में ही हमारे पास प्रिंटेड रेंज, प्रिंटेड कुशन की काफ़ी रेंज है और प्लेन में कुशन्स हैं, फर के अंदर कुछ नए डिज़ाइन आए हैं, कुछ नई वैरायटी आई है, वो भी मैं आज आपको कवर करूँगा। मैजिक कुशन के अंदर आपने रेंज देखी है, उसके अंदर भी हम आज आपको थोड़ा बताएंगे कि कैसे प्रिंटिंग होती है, क्या प्रोसेस होगा। साथ में ही इमोजी कुशन सब कवर करेंगे, LED कुशन्स हैं आज हमारे पास, टेडी बेयर कुशन्स हैं। तो कुशन्स की काफ़ी अच्छी रेंज है, वीडियो के अंदर एंड तक बनी रहिए ताकि आप वो सारे प्रोडक्ट कवर करें और कोई भी प्रोडक्ट मिस ना करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम प्रिंटिंग का काम शुरू करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हमने टेम्पलेट्स ऑलरेडी निकाल के रख लिए हैं, जो हमारे पास टेम्पलेट्स आपको ईजिली मिल सकती हैं। अगर आप अपैरेंट टेक से प्रोडक्ट लेते हैं तो हर एक प्रोडक्ट की आपको टेम्पलेट मिलेगी हमारे पास। तो ये हम कपल कुशन का काम करते हैं। टेम्पलेट से प्रिंटआउट जैसे निकालना है वो हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो में बता रखा है, अगर किसी को वो पता करनी हो कैसे करना है तो आप सेल्समैन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी आपको गाइड कर देगा उसके लिए कि कैसे आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो आपको वीडियो शेयर कर देंगे वाली। तो ये दो जगह है और ये दोनों ही टेम्पलेट आपका एक ही पेज में निकल जाएगा A4 के अंदर, और इनकी डाई भी हमने प्रॉपर सेट कर रखी है। तो एक एक करते हुए पहले प्रिंटिंग कर लेते हैं। ये आपने लेना है और इसको प्रॉपरली बीच में सेट करके रख देना है। कोशिश आपको ये करनी है कि आप इसके इस पार्ट को, जो आपका ये चेन का पार्ट है, आप उसको थोड़ा सा अलग करें ताकि आपका प्रेशर अच्छे से बन पाए। और ये आपने इसको प्रेस कर देना है। जो मशीन का टाइम और टेम्परेचर है वो हमने 350 टेम्परेचर और 60 सेकेंड्स रखा है, जो आपका नॉर्मली फैब्रिक का जो टेम्परेचर होता है, और यही टेम्परेचर आपके चार्ट में भी होगा। तो आपने यही फैब्रिक के अंदर टेम्परेचर रखा है। और इसकी अगर हम गद्दी की बात करें तो ये गद्दी आपको इसके साथ ही मिलती है, इस टाइप का कवर के अंदर ये पैक आते हैं ये वाले कुशन। और इसी के अंदर एक दो रेंज और है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वीडियो में। तो जैसे ही आप इसकी ये पन्नी को आप फाड़ते हो तो आपको पता है ये गद्दी फूल जाती है। कई कस्टमर हमें बोलते हैं कि सर ये गद्दी फूली हुई नहीं है, टिकी हुई है। तो प्लीज़ आप उसको जब तक ऐसे अलग टेयर नहीं करोगे तो वो ये कुशन फूलता नहीं है। ये उससे पहले वैक्यूम के अंदर ये कंप्रेस्ड रहता है, ये पिचका हुआ रहता है। कुछ भी उसकी कंप्लेंट होती है, ये कुछ भी समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ है। इसी के अंदर अगर आपको मैं एक और कुशन दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हो, ये भी एक वैरायटी है और ऐसी 2-3 वैरायटी और इसमें आती है, और डिज़ाइन इसके अंदर अपडेट होते रहते हैं। जो भी ओकेजन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर डिज़ाइन अपडेट करते रहते हैं। तो आप उसके लिए कैटलॉग हमारे से मंगवा सकते हैं और जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो ले सकते हैं। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड भी एक बार प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए आपने बस इसको सेंटर में अरेंज करना है, 60 सेकेंड्स में आपका ये प्रिंटिंग का काम हो जाएगा। मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि इसकी ये जो चेन वाला एरिया है वो चेन वाले एरिया को हम नीचे रखें ताकि आपका प्रेशर बनने में कोई दिक्कत ना आए। और कोई इसके अंदर सावधानी नहीं बरतनी, और कोई इसके अंदर प्रिकॉशन नहीं लेना है, बस चेन वाला एरिया और मोटे वाले एरिया को आपने साइड में रखना है, सो दैट आपका वो चीज़ ख़राब ना हो। ये आपने इधर रखा और ये प्रेस कर दिया, अनदर 60 सेकेंड्स में ये वाला काम भी हो जाएगा। कलर इस पेपर के अंदर से पूरा निकल चुका है। साथ में ही जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो LED क्वेश्चन है। LED क्वेश्चन प्रिंटिंग में काफ़ी ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसका पार्ट है एक LED के सेटअप का, वो भी बहुत आसान है, वो भी हम आपको आज करके दिखाएंगे वीडियो में। अगेन इसकी पैकिंग पूरी पॉलीथिन के साथ आती है, ये आप देख सकते हो कि एक प्लास्टिक का पॉली बैग आता है जो काफ़ी मोटा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आप किसी को भी गिफ्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं तो आप इसके अंदर दे सकते हैं, सो दैट ये गंदा भी नहीं होता। वाइट कलर का पीस है, गंदा भी हो सकता है, तो पैकिंग में देना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। ये इसका LED के इसका कवर है, ये LED का कवर आता है। और ये अगेन इसकी गद्दी है, जिसको आप खोलोगे
तो ये आपका देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन रेडी है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी प्रिंटिंग आई है। इसके अंदर मैं आपको एक बार गलती भी डाल के दिखाते हैं। आप देखिए ये दोनों हमारे रेडी हो गए क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं एक बार, फिर हम आपको ये चीज दिखाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ये एलईडी क्वेश्चन। एलईडी क्वेश्चन के लिए ये हमने क्वेश्चन रखा है। अगर आप इसके अगेन टेम्पलेट की अगर आप बात करते हो तो टेम्पलेट्स आपको सारी मिलेंगी, हर एक चीज की टेम्पलेट अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कोई भी टेम्पलेट के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने क्वेश्चन लिया है और ये हमने कटिंग इसी हिसाब से करी है। अगर आप थोड़ा सा भी, जो लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं ऑफकोर्स उनका हाथ काफ़ी साफ हो चुका है इस प्रिंटिंग में, तो वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप टेप का यूज़ करें, सो दैट वो बिल्कुल भी हिले ना और प्रोडक्ट ख़राब ना हो। क्योंकि आपको पता है सब्लिमेशन प्रिंटिंग एक बार होने के बाद निकलेगी नहीं, तो वो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। जितने हमारे मशीन का टेम्परेचर चल रहा है हम आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक बार दिखा देते हैं। तो ये है हमारा टेडी बियर क्वेश्चन। अगेन पैकेजिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पैक रहती है और आप देखेंगे प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और चीज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अगेन इसको प्रिंटिंग करनी है तो इसके अंदर आपने सिर्फ ये वाला पार्ट आता है जो एक वेलक्रो के साथ चिपका है, आपने उसको अलग करना है। अगेन इतना ही पार्ट पे प्रिंटिंग पॉसिबल है, सिर्फ इसके अंदर छोटा और अच्छा डिज़ाइन के साथ आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। छोटे से डिज़ाइन को आप प्रिंट करके ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। इन सब की ये सब चीज़ों के लिए आप हमसे कैटलॉग भी इजीली मंगवा सकते हैं, आपको सारी कैटलॉग इस कैटलॉग के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हैं। ये हमारा अगेन इन सब की टेम्पलेट आपको मिल जाएगी, ये टेम्पलेट्स हमने ही बनाई है। ये सारी टेम्पलेट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये टेम्पलेट्स आपको ईजिली अवेलेबल है। तो ये वाला हमारा एलईडी क्वेश्चन भी हो गया है। सेकेंड आप देख सकते हैं कितना एज टू एज और कितनी अच्छी प्रिंटिंग आई है इसकी। इसको एक बार हम तैयार कर देते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपने पहले इस गद्दी को इसके अंदर डालना होता है। आपके हाथ में ये प्रोडक्ट आएगा आप उसको ईजिली यूज कर पाओगे, उसको बना पाओगे, इतना मुश्किल चीज है नहीं है, काफी ईजी है। ये जो कवर है ये इसका बैटरी के लिए होता है और एक बार हम आपको लाइट बंद करके भी ये चीज दिखाएंगे कि आपका ये कितना अच्छा दिख। तो ये देखिए ये आपका एक बार प्रॉपरली सेट हो चुका है और अगर हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं यहाँ से तो इसकी लाइट भी जल जाएगी। मैं आपको एक बार लाइट बंद करके इसका दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा ओपन लाइट ज़्यादा है तो आप ही देख सकते हैं कितना अच्छा है इसकी एलईडी आई है, कितना अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है। तो एक बार नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं और ये एलईडी का बटन है यहाँ पे, आप इजीली उसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब आपको इसकी एलईडी जलानी हो आप इसको ऑन करें। और इसकी बैटरी भी अगर आपको उसमें तो एक ही बैटरी मिलेगी, अगर आपको बाई चांस और बैटरी की जरूरत पड़ती है तो आप उसको और ले सकते हैं, मार्केट से ही आपको लेनी होगी। तो नेक्स्ट तो आपने अगेन प्रिंट आउट यहाँ पे रखना है, इसकी चेन को नीचे की तरफ डालने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट प्रिंटिंग के अंदर हमें दिक्कत ना आए। प्रिंट आउट थोड़ा सा हमने बड़ा ही लिया है ताकि पूरा कवर हो जाए। टेफ्लॉन रखना, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट भी हो गया है, ये देखिए डन। अगेन इसको आपने गद्दी में डालना है, इसका चेन थोड़ा सा गर्म है, हम दो मिनट में इसको करेंगे। ये देखिए आप पे वाला टेडी बियर क्वेश्चन भी रेडी है। तो एक बार दो तीन चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से एक बार शुरू करवा देता हूँ। ये आप देखिए ये एक ओकेजन क्वेश्चन के नाम से चलता है, इसको फैमिली क्वेश्चन भी कहते हैं। ये भी आपका प्रिंटेबल एरिया रहता है, इसके ऊपर भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो।
और इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों चीज़ें हैं जहाँ पे आप प्रिंटिंग कर सकते हो। प्रिंटिंग करना बहुत आसान है, सारे स्क्वायर हैं, सबकी टेम्पलेट्स आपको इजीली मिल जाएगी। इस पर हमने हैप्पी फैमिली लिखा है, आप चाहो तो कोई भी ओकेजन का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको करना है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी डिमांड में रहता है। अगर हम इधर आते हैं तो ये आपके सारे फर कुशन की रेंज है, आप देख सकते हो ये 50-50 फर कुशन के नाम से चलता है। ये आपका प्रिंटेबल एरिया है, इसके अंदर यहाँ पे आप प्रिंटिंग कर सकते हो। वैसे ही अलग अलग कलर्स में आता है, इसमें और भी कलर्स होते हैं, आप एक बार पता कर सकते हैं। और ये आपके फर कुशन हैं, फर कुशन के अंदर तो कलर्स की लिमिट ही नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा कुशन आते हैं इसमें अलग अलग वैरायटी के। और आप देख सकते हैं कि इसका डबल साइड फर है, ये पीछे भी फर है और फ्रंट में भी यहाँ पे फर है। सिर्फ ये आपका प्रिंटेबल एरिया है। सेम केस में ये इसके अंदर अलग एक शेप आती है, ये आपने हार्ट में देखा है, वैसे ही हमारे पास स्क्वायर में आता है। बैक साइड में फर है और फ्रंट में आपके पास ये प्रिंटेबल एरिया है। इसमें भी अलग अलग कलर्स आते हैं, अभी सारे कलर डिस्प्ले पे नहीं लगाए हैं, जगह कम है, अदरवाइज आपको और भी कलर्स इसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। एक रेंज अब मैं आपको मैजिक कुशन की फिर से दिखा देता हूँ। मैजिक कुशन जो व्यूअर्स आपको पता भी है कि ये ऐसे इजीली हमारे कलर चेंज कर लेते हैं, मैं आपको एक प्रिंटेड कुशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका प्रिंटेड कुशन है। प्रिंटिंग करना बहुत आसान है, आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर हमने फैमिली ये मैजिक कुशन भी हमने प्रिंट करा है। तो वैसे ही इसके अंदर भी कलर्स की लिमिट नहीं है, बहुत सारे कलर्स हैं, कलर्स अपडेट होते रहते हैं, रेगुलरली नए नए कलर्स आते रहते हैं। इसके अंदर अगर मैं शेप की बात करूँ, अगेन आपके पास इसके अंदर हार्ट शेप आती है और एक स्क्वायर आती है। स्क्वायर में ये जो इसका साइज रहता है 16x16 inches का रहता है। आप चाहो तो इसके पीछे भी प्रिंटिंग कर सकते हो, पीछे भी प्रिंटिंग पॉसिबल है, तो पीछे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, आगे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, और आपका ये प्रिंटिंग के बाद ये डिज़ाइन हाइट भी हो सकता है। आप जब प्रिंटिंग करेंगे तो आपने इसको पूरा प्लेन करना है, फिर आप प्रिंटिंग करेंगे नॉर्मली, जैसे सब्लिमेशन का हमारा प्रोसेस है वही है, कोई इसमें अलग प्रोसेस है नहीं, काफ़ी आसान प्रिंटिंग का तरीका है। ये देखिए, इसमें ये हमने प्रिंट करके एक रख रखा है, आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं, ये देखिए। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें शाइन आ रही है। अभी ये वाला हमने क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कवर कर लिया है, आपको मैं इमोजी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इमोजी क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे प्रिंटिंग का पूरा एरिया रहता है, इसके अंदर अलग अलग इमोजीज आते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, आपको मैं कैटलॉग भी शेयर कर दूंगा, आप उसमें देखना। ये आप देख सकते हो अलग अलग जितने भी इमोजीज होते हैं मैक्सिमम हमारे पास ये रहते हैं। प्रिंटिंग के लिए आपके पास पीछे की साइड रहेगी और फ्रंट में आपके अलग अलग इमोजीज रहते हैं, ये देखिए। और ये हमारे पास स्क्वायर में भी आते हैं, स्क्वायर में भी आपके पास अलग अलग डिज़ाइंस हैं, आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग का एरिया ये है और ये आपकी इमोजी है। काफ़ी अच्छी पैकिंग है इनकी, काफ़ी अच्छे गफिंग है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, फिलर अच्छी क्वालिटी के हमने यूज़ करे तो उसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। व्यूअर्स आप ये देखें, ये सारे जितने भी हमारे पास रेंज है ये किड्स प्रिंटेड फर कुशन है, कार्टून फर कुशन भी कह सकते हो आप इसको, जितने भी हैं। इसके अंदर आपके पीछे भी एक प्रॉपर वेलवेट का कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, ये फर लगा रहता है, आसपास इसके फर रहता है, और ये आपका प्रिंटेबल एरिया है। ये आप इसको इजीली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ से चेन से आप निकाल के जो इसकी फिलर होगा वो आपको निकाल के इजीली आप प्रिंटिंग कर सकते हो। तो इसकी फिलर की प्रिंटिंग आपको आपके लिए काफ़ी ईजी है, एक सेकेंड। तो ये अलग अलग डिज़ाइन हैं इसमें, ये देखिए टॉम एंड जेरी का ये अलग है, ये दूसरा डिज़ाइन है, वैसे बच्चों के हिसाब से काफ़ी डिज़ाइन इसमें आते हैं हमारे पास, छोटा बीम वगैरह बहुत चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं आपको एक ओकेजन कुशंस की भी रेंज दिखा देता हूँ। ओकेजन कुशंस में हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, काफ़ी सारी ओकेजन के हिसाब से हमने कवर कर रखा है। ये बर्थडे वाला कुशन है, इसके अंदर आपका ये वाला पूरा एरिया बस प्रिंटेबल रहता है, बाकी आगे पीछे आपका ऑलरेडी प्रिंटेड आया है, ये बस आप एरिया प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर आप अगेन यहाँ पे जिप है, जिप से आप फिलर निकाल के प्रिंटिंग कैसे करना है बहुत आसान है, आप लोगों को पता है तो आप कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी सबके अंदर सब्लिमेशन पॉसिबल है, आप अगर कोई भी मैसेज लिखना चाहते हो या कोई भी पिक्चर लगाना चाहते हो उसके लिए आपके पास पूरी फ्रीडम है, वो आप इजीली लगा सकते हो, इसीलिए आप हमसे जो भी चीज़ ले रहे हो। देखो जैसे ये भी हैप्पी बर्थडे वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आप यहाँ पे 3 इमेजेस भी इनफैक्ट अपलोड कर सकते हो, ये देखिए। उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आते हैं हमारे पास और जिनकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, और ये ओकेजन हमारे पास अपडेट होती रहती है। आप इनके कभी भी इनकी कैटलॉग मंगवा सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से फ़ोटोज़ हैं, क्या क्या हैं, वो आपको वीडियो फ़ोटो कोई भी चीज़ हम आपको बना के भेज देंगे। ये देखिए,
वैसे ही अगर ये तो हमारे सारे हैप्पी बर्थडे वाले थे, अगर हम ये बात करें ये वाले भी, ये देखिए अगेन बर्थडे वाला है ये। ये वैलेंटाइंस डे वगैरह के ऊपर काफ़ी डिमांड में आता है, नॉर्मली भी चलता रहता है। ये देखिए ये सारी लव वाली जो कलेक्शन है, ये देखिए ये क्वर्की वाले भी आते हैं इसमें, मिस्टर राइट मिसेस राइट सब चीज़ आती है यहाँ पे, आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड में रहता है ये वाला भी। इस टाइप के हमारे पास और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं। अगेन ये इसका प्रिंटेबल एरिया, बाकी बोथ साइड प्रिंटेड रहते हैं ये, और प्रिंटिंग करना बहुत आसान है। यहाँ से आपने जिप खोलनी है, इसके अंदर से फिलर निकालना है और उसको सीधा इसके हिसाब से प्रिंट करना है। जितने भी कुशन्स की रेंज थी वो एक बार कवर करिए। अगर फिर भी आपको कोई कुशन के अंदर पर्टिकुलर रेंज है या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसको प्रिंटिंग करने में, या फिर आपको उसकी वैरायटी आप चाहते हैं वापस से कोई नई वीडियो बनाएं उसके लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है। हम उसके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थोड़ा सा ऑफिस के अंदर वीडियो बनाने के लिए एकदम से टाइम नहीं निकल पाता, तो इसलिए वीडियोज़ हमारी कम आती हैं, लेकिन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वीडियोज़ आएंगी, तो आप हमें उसके लिए अपडेट करते रहिए। और भी नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का हमेशा अपडेट मिले। थैंक यू सो मच।